Welcome to English Guru classes. Please click the red subscribe button and press the bell icon to receive all latest updates and notifications. Hello students, in the previous class we were discussing about the summary of lesson 6, Expert Detectives, written by Sharada Dwivedi. Now in today's class I will explain the lesson in detail. Okay, now let's begin. As we walked back towards the clinic, Seven said, clinic, you know, small hospital. As we walked back towards the clinic, Seven said, जब हम क्लिनिक की तरफ लौट रहे थे, सेवन बोला, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर, माया, माया, यह व्यक्ति कोई मॉन्स्टर, मॉन्स्टर यू नो डेमन, डी ई एम ओ एन, डेमन, इन हिंदी वी कॉल इट राक्षस, डेमन, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर, माया, माया, यह व्यक्ति कोई दानव दैत्य तो नहीं दिखता. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, पर क्या तुमने देखा कि वह कितना दुर्बल हो गया है. मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कॉन्ट अफोर्ड टू ईट. अफोर्ड मीन्स बियर, बी ई ए आर, बियर. मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कॉन्ट अफोर्ड टू ईट. हो सकता है कि वह बहुत गरीब हो और गरीबी के कारण भोजन के पैसे नहीं चुका सकता. ड्यू टू हिज पॉवर्टी ही कुड नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ फूडिंग एंड लॉजिंग. ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन. आई टोल्ड हिम, माया ने कहा, ही कांट बी पुअर इफ ही इज क्रूक ऑन द रन. क्रूक मीन्स अ चीट, सी एच ई ए टी, अ चीट, ठग. ऑन द रन मीन्स ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस, यानी भगोड़ा. ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन. वह निर्धन नहीं हो सकता यदि वह भगोड़ा अपराधी है. आई टोल्ड हिम, माया ने रवि से, सेवन से कहा. ही हैज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. ही हैज प्रोबेबली, प्रोबेबली यू नो परहैप्स, पी ई आर एच ए पी एस, परहैप्स मीन्स शायद. ही हैज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे, स्टैश्ड अवे दैट मीन्स हिड सेफली, एच आई डी हिड सेफली, एस ए एफ ई एल वाई. ही हैज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. उसके पास शायद लाखों रुपए हैं जिन्हें उसने अपने कमरे में कहीं पर छिपा रखा है. ही हैज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल, माया, तुम्हारे विचार से क्या वह वास्तव में अपराधी है, माया, सेवन ने माया से कहा. ही डजंट लुक लाइक वन, वह ऐसा दिखता तो नहीं. निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद को डाउट हुआ इस बात से, वह शंकावान दिखाई पड़ा, उसे संदेह हुआ इस बात पर कि वह एक क्रिमिनल है. ऑफ कोर्स ही इज वन, सेवन, आई सेड, माया ने कहा कि ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से वह एक अपराधी है. एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, स्टार्विंग यू नो डाई विदाउट फूड और डाई ऑफ हंगर, भूख से मरना, डाई ऑफ हंगर और डाई विदाउट फूड. एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, और निश्चित रूप से वह भूख से नहीं मर रहा है, वह भूखा भी नहीं रहा है. ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स. मिस्टर मेहता ने हमें बताया है कि रमेश नाम का एक लड़का मिस्टर नाथ का भोजन
नीचे किसी रेस्तरा से ले आता है. डाउन स्टेयर्स मीन्स टूवर्ड्स और ऑन अ लोअर फ्लोर ऑफ अ हाउस और बिल्डिंग. निचली मंजिल दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश डाउन स्टेयर्स. टूवर्ड्स और ऑन अ लोअर फ्लोर ऑफ अ हाउस और बिल्डिंग. ऑल राइट. बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड. निषाद बोला, बट माया, पर माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि ही डजंट वर्क एनीवेयर, कि मिस्टर नाथ कहीं पर कोई भी नौकरी, कोई भी काम नहीं करता. सो हाउ कैन ही पॉसिबली, पॉसिबली दैट मीन्स प्रोबेबली, probably, संभवतः. हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, तो संभवतः उसे खाद्य सामग्री खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, भोजन के लिए वह पैसे कहाँ से चुकाता है. यदि वह कोई काम नहीं करता तो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड. निषाद ने कहा. एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड, एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट. एग्जैक्टली मीन्स एब्सोल्युटली, absolutely, एब्सोल्युटली राइट, RIGST, राइट. तुम ठीक कह रहे हो. एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड. ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर. ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन. हिडन मीन्स कॉन्सील्ड, CONCEALED, कॉन्सील्ड, छिपा हुआ. ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम. माया ने आश्चर्य व्यक्त किया और बोला कि सेवन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो. ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर. निश्चित रूप से उसके पास कहीं ढेर सारा पैसा छिपा होना चाहिए. मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, हो सकता है कमरे में रखे ट्रंक में, संदूक में हो. इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, और यह शायद चांदी, सोने तथा जवाहरातों से भरा होगा. इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स. व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड. रबिश यू नो नॉनसेंस, बकवास, NONSENSE, नॉनसेंस. निषाद इंटरप्टेड, निषाद इंटरप्ट किया, बीच में ही बोल पड़ा और कहा कि क्या बकवास करती हो, व्हाट रबिश. आई नो आई एम राइट, स्टूपिड. माया ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ. आई नो आई एम राइट, स्टूपिड, फूल, यू फूल. निषाद को वह फूल कहती है, मूर्ख कहती है, मूर्ख. आई नो आई एम राइट, मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ. आई टोल्ड हिम, बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स. स्कार्स यू नो मार्क्स, MARKS, निशान. बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स. यह बताओ सेवन कि क्या तुमने उसके स्कार्स, मार्क्स यानी चेहरे पे जो दाग हैं, क्या उसे तुमने देखा है. आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग. माया ने कहा कि मैं तो अंधेरा घना होने के कारण देख नहीं सकी, पर मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उसे ये दाग कभी पुलिस की गोलियों से लगे होंगे. मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फॉर्मली. निषाद ने अपनी बात दृढ़ता से रखी और उसने कहा, मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स. मम्मी ने हमें बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि मिस्टर नाथ के चेहरे पे जो दाग हैं वो बर्न स्कॉर्स हैं,
यानी जल जाने के कारण पड़े हैं. निषाद टोल्ड माया फॉर्मली दैट द मार्क ऑन द फेस ऑफ मिस्टर नाथ वर द मार्क ऑफ बर्निंग. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. शायद पुलिस को उसे घर से बाहर निकालने हेतु उसके घर आग लगानी पड़ी हो, मैंने सुझाव दिया. सेवन को विश्वास नहीं हुआ. माया ने सेवन को सुझाव दिया शायद पुलिस को उसे घर से बाहर निकालने हेतु उसके घर आग लगानी पड़ी हो, पर इस बात पर सेवन को विश्वास नहीं हुआ. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ऑन द मंडे फॉलोइंग ममास बर्थडे सेवन वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक एट गिरगाम एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड. ऑन द मंडे फॉलोइंग ममास बर्थडे माँ के जन्मदिन के बाद सोमवार को मंडे को सेवन वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक. सेवन अकेला उनके साथ उनकी क्लिनिक गिरगाम चला गया एट गिरगाम. एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड और मुझे यानी माया को शाम अपने स्कूली मित्र के घर बितानी पड़ी थी. एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड. When they returned, और जब वे दोनों आए वापस आए, निषाद told me, निषाद ने मुझे बताया अर्थात माया को बताया, he had been to see Mr. Nath, कि वह Mr. Nath से मिलने गया था. he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed. annoyed that means angry. I felt most annoyed. मुझे बहुत बुरा लगा दैट आई हैडन्ट बीन देयर कि मैं उसके साथ नहीं जा पाई. यानी माया मिस्टर नाथ को देखने सेवन के साथ नहीं जा पाई, इस बात को लेकर उसे बुरा लगा. सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट. सेवन बिल्कुल अपसेट था, डिस्टर्ब था. डी आई एस टी यू आर बी ई डी डिस्टर्ब्ड. अपसेट मीन्स डिस्टर्ब्ड, बेचैन था. अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपियरेंस. गॉन्ट यू नो वेरी थिन, वी ई आर वाई टी एच आई एन, वेरी थिन बहुत पतला. एंड अपियरेंस मीन्स लुक. उसका जो लुक था वो बहुत ही दुबला पतला था. तो सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपियरेंस. मिस्टर नाथ के गॉन्ट अपीयरेंस को, दुबले पतले उसके लुक को देखकर सेवन बहुत ज़्यादा अपसेट था, परेशान था, डिस्टर्ब था, बेचैन था. एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग. और उसे पूर्ण विश्वास था सेवन को कि वह भूख से मर रहा है. ही वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग. सेवन को पूरा विश्वास था, सेवन को विश्वास हो गया कि मिस्टर नाथ भूख से मर रहा है. ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड. नॉक्ड यू नो बीट, बी ई ए टी, खटखटाना, खटखटाया. ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर. उसने माया को बताया कि मिस्टर नाथ का दरवाज़ा दैट इवनिंग शाम को उसने नॉक किया था, खटखटाया था और बोला था ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ. शीघ्र दरवाज़ा खोलिए मिस्टर नाथ. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. द मैन हैड ओपेंड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल. मिस्टर नाथ दरवाज़ा खोला और पूछा क्या फिर कोई मार्बल खो गया है. He had obviously recognized my brother. माया कहती है कि मिस्टर नाथ obviously means clearly, सी एल ई ए आर एल वाई, क्लियरली स्पष्ट रूप से. recognized means new, पहचान लिया, के एन ई डब्ल्यू, न्यू. ही हैड ऑब्वियसली रिकोगनाइज्ड माई ब्रदर.
उसने स्पष्ट रूप से मेरे भाई को पहचान लिया था। नो सेड निषाद, निषाद बोला नहीं। ही हैड टेकन द मैंस हैंड इन हिज ओन, उसने तो मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया। एंड थ्रस्ट मीन्स थ्रू, THREW थ्रू, फेंका। अ बार ऑफ चॉकलेट इन टू इट, और एक चॉकलेट बार उन्हें पकड़ा दिया, उनके हाथ में रख दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पिक इन टू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड, माया ने सेवन से कहा। डिड यू गेट अ चांस टू पिक, पिक मीन्स लुक, LOOK। डिड यू गेट अ चांस टू पिक इन टू द ट्रंक सेवन, क्या उनके ट्रंक में झांकने का अवसर नहीं मिला सेवन? निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स होपलेस, निषाद निराश दिखा। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, वह बोला कि उस व्यक्ति ने, मिस्टर नाथ ने तो मुझे अंदर आने को भी नहीं बोला। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड, देन ही स्माइल्ड। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, वह मुस्कुराया और बोला कि मैंने एक बात पता लगा ली है। बट लेकिन आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, मैंने कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम, मैं उस रेस्टोरेंट में गया, उस रेस्तरा में गया जहां रमेश काम करता है, और उससे टॉक किया, बातें की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चन्ड हिम प्रॉपरली। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, यह काम तो तुमने बहुत अच्छा किया मिस्टर डिटेक्टिव, मिस्टर जासूस, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, माया ने उसके पीठ को थपथपाते हुए, पैटिंग मीन्स टू टच जेंटली सेवरल टाइम्स विथ योर हैंड एज अ साइन ऑफ अफेक्शन, थपथपाना। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, यह काम तुमने अच्छा किया मिस्टर जासूस, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसके पीठ पर थपकी देते हुए, माया ने कहा। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मैं आशा करती हूँ कि तुमने रमेश से पूरी जानकारी ले ली होगी। सेवन लुक्ड प्लीज्ड, सेवन खुश दिखा। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स टू मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड टू कप्स ऑफ टी, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून। सेवन बोला, रमेश ने मुझे बताया कि वह मिस्टर नाथ के लिए प्रतिदिन प्रातः तथा शाम को दो बार भोजन तथा दो कप चाय ले जाता है। रमेश सेज He is not very particular about what he eats. It's always the same food, two chapatis, some dal and a vegetable. Ramesh कहता है कि वह ध्यान नहीं देता कि मिस्टर नाथ क्या खाते हैं, लेकिन वह इतना बताता है कि हमेशा वही भोजन होता है, always the same food, two chapatis, जिसमें दो चपाती, सम दाल, कुछ दाल, एंड अ वेजिटेबल, और कुछ सब्जी, एक सब्जी होती है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ नकद भुगतान करते हैं। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, टिप्स मीन्स यू नो रिवार्ड, REWARD, बख्शीश। और वह कहता है कि मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ नकद भुगतान करते हैं और अच्छी बख्शीश भी देते हैं, रिवार्ड भी देते हैं, टिप्स भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, स्ट्रेंज यू नो ऑड थिंग, और यू कैन से अनयूजुअल, UNUSUAL, अनयूजुअल, स्ट्रेंज।
रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया. रमेश ने कुछ और विचित्र बात बताई, ऐसा सेवन माया से बोला. सेवन एडेड, सेवन बोला. ऑलमोस्ट एवरी संडे, कि लगभग हर रविवार को. ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम. हर रविवार की सुबह वह मिस्टर नाथ के कमरे में दो लंच लेकर जाता है. एंड द सेम मैन इज विथ हिम इस टाइम, और वही व्यक्ति हर बार वहाँ दिखता है. ही इज टॉल, वह टॉल है, लंबा है. फेयर यानी गोरा है. स्टाउट मीन्स स्ट्रॉन्ग, मजबूत है. एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स, और चश्मा पहनता है. रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट. रमेश बताता है कि वह व्यक्ति जो मिस्टर नाथ से मिलने आता है वह बहुत ज़्यादा बातें करता है. टॉक्स अ लॉट, अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स. हार्डली मीन्स वेरी लिटिल, मुश्किल से बहुत कम. रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स. और रमेश बताता है कि वह व्यक्ति जो मिस्टर नाथ से मिलने आता है वह बहुत बातें करता है, पर मिस्टर नाथ बहुत कम बोलते हैं, वह प्रायः चुप रहते हैं. वेल्डन निषाद, आई टोल्ड हिम. वेल्डन, वेल्डन यू नो ब्रेबो, शाबाश. शाबाश निषाद, आई टोल्ड हिम. माया ने उससे कहा, नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज. चूँकि माया ने कहा सेवन से कि चूँकि अब हमने अपनी इंक्वायरीज में, अपने इंक्वायरीज मीन्स लुकिंग इनटू जांच पड़ताल, अपने जांच पड़ताल में हम कुछ प्रगति कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं. नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज वी विल हैव टू सॉर्ट आउट. तो हमको क्या करना होगा, सॉर्ट आउट करना होगा. सॉर्ट आउट दैट मीन्स एनालाइज करना होगा. ANALYSE, एनालाइज करना होगा, छानबीन करना होगा. वी विल हैव टू सॉर्ट आउट, हमें बैठकर उन तथ्यों का किसी लाइक एन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह, जैसे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स होते हैं. डिटेक्टिव दैट मीन्स वन हु इन्वेस्टिगेट्स सेक्रेटली, और वन हु इन्वेस्टिगेट्स क्राइम. सो जैसे एक्सपर्ट स्किल्ड डिटेक्टिव्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें बैठकर उन तथ्यों का किसी विशेषज्ञ जासूसों की भांति विश्लेषण करना होगा. सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक, जिससे हम उस क्रूक यानी इविल फेलो को, उस धूर्त व्यक्ति को ट्रैप कर सकें, उसे कैच कर सकें. हाउ डू यू गो ऑन माया. सेवन साइज्ड. सेवन उदास स्वर में कहा, हाउ डू यू गो ऑन माया, तुम जैसा चाहो करो. हाउ डू यू गो ऑन माया. सेवन साइज्ड. सेवन उदास स्वर में बोला कि तुम जैसा चाहो वैसा करो. हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन. इमेजिन करना, कल्पना करना, थिंक. तुम कैसे ये कल्पना कर सकती हो, ये कैसे सोच सकती हो, ही इज अ क्रूक, कि वह एक क्रूक है यानी इविल फेलो है, अपराधी है, क्रिमिनल है. तुम किस प्रकार कल्पना कर सकती हो कि वह मिस्टर नाथ एक अपराधी है. ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वह तो इतना आम व्यक्ति दिखता है, ऑर्डिनरी पर्सन, सिंपल पर्सन दिखता है. तो तुम किस प्रकार से कल्पना कर सकती हो माया कि मिस्टर नाथ इज अ क्रूक. क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी. माया ने तुरंत रिटॉर्ट किया. रिटॉर्टेड दैट मीन्स रिप्लाइड एंग्रीली. REPLIED रिप्लाइड एंग्रीली. ANGRILY एंग्रीली. माया ने रिटॉर्ट किया, गुस्से से जवाब दिया. क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, कि जो अपराधी होते हैं वो नितांत साधारण दिख सकते हैं, और स्मार्टी भी यानी बोल्डली, चुस्त दुरुस्त. चुस्त दुरुस्त
Smartly, that means boldly, B-O-L-D-L-Y, chust drust. Criminals can look quite ordinary smarty. जो अपराधी होते हैं वो नितांत साधारण दिख सकते हैं और चतुर चुस्त भी. I retorted, माया ने झुझलाते हुए गुस्से से जवाब दिया. Did you see the picture of the हैदराबादी house breaker in the newspaper yesterday? माया ने कहा कि क्या तुमने सेवन से कहा कि क्या तुमने अखबार में न्यूज़पेपर में कल एक हैदराबादी हाउस ब्रेकर यानी हैदराबादी सेंधमार इन द पेपर यस्टरडे कल उस पेपर में देखा था उसका पिक्चर. डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे? क्या तुमने अखबार में कल एक हैदराबादी सेंधमार का चित्र देखा था? ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट. वह ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसे कि कोई सड़क पर जा रहा व्यक्ति दिखता है. वह सड़क पर जा रहे किसी भी व्यक्ति की भांति दिखता था. ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट. निषाद लुक्ड डाउटफुल. निषाद का संदेह अब भी बना रहा. द मानसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे. मानसून्स ब्रोक दैट मीन्स रेन्स केम RANSCAME केम यानी बारिश का मौसम आ गया. द मानसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे. अगले दिन वर्षा ऋतु आ गई. डार्क क्लाउड्स accompanied. Accompanied means along with ALONG along WITS with यानी के साथ. डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning. Flashes of lightning means बिजली की चकाचौंध. And roaring rolls of thunder means thundering of cloud यानी बादलों की गर्जन. Roaring rolls of thunder means thundering of cloud बादलों की गर्जन. Burst with all their fury. Fury means anger. Flooding the streets with a heavy downpour. Downpour, you know, heavy rain. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. All right, the monsoons broke the next day. Agle din Varsha Ritu aagai. The monsoons broke, rain came. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder. और जो dark clouds थे काले मेघ काले बादल. Accompanied by blinding flashes of lightning यानी साथ में बिजली की गर्जन की चमक. And roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. तथा बादलों की तीव्र गर्जन के साथ बारिश तथा सड़कों पर बाढ़ सी आ गई. School was to have reopened after the summer holidays. Summer holidays के बाद स्कूल खुलना था. पर but no traffic could move through the flooded roads. लेकिन बाढ़ युक्त जगह से होकर किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ सकती थी. पानी से लबालब सड़कों पर कोई भी वाहन नहीं चल पा रहा था. एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे. और स्कूल में अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे डिक्लेयर हो गई यानी अप्रत्याशित छुट्टी कर दी गई. आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली. माया ने सोचा कि इस समय का सही उपयोग करना है. इसलिए आई सेट अप माई डेस्क इन आवर बेडरूम. वह अपने बेडरूम में अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है. और विथ अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी और सामने एक बड़ा सा कागज़ उसके रखा था. I thought I would spend the time usefully. माया ने सोचा
आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं उस समय का सही तरह से उपयोग करूंगी। आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम, शी सैट इन हर डेस्क इन हर बेडरूम, अपने बेडरूम में जाकर वह अपने शयन कक्ष में डेस्क पर बैठ गई। विथ अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, और सामने एक बड़ा सा शीट ऑफ पेपर रखा था। प्यारे बच्चों, ये था फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।